के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अमजद अब्बास और आपको न्यू वर्ल्ड में खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुसलमानों का ये दावा है कि इस्लाम और जदीद साइंस में मुकम्मल हम आंगी पाई जाती है और कुरान मजीद में 1000 से ज़्यादा आयात साइंस के मुतल्लिक गुफ्तगू करती हैं। कुरान मजीद में मौजूद आयात के मुतल्लिक हकैक जदीद साइंस से मुकम्मल मुताबकत रखते हैं। जिस वक्त और ज़माने से इंसानी ज़िंदगी इस सियारे यानी ज़मीन पर नमोदार हुई है, इंसान ने हमेशा से फितरत तख्लीक के इस अजीम मंसूबे में इसकी अपनी और खुद ज़िंदगी का मकसद समझने की कोशिश की है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसे हकैक बताए जाएंगे जो इस्लाम और साइंस को आपस में मुकम्मल तौर पर जोड़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, बहुत सारी तहजीब के लोगों का दावा है कि इनकी बुनियाद लिखे हुए मतन यानी किताबों पर है और बाकी का इन्हसार सिर्फ इंसानी तजर्बे पर होता है। कुरान करीम जो मज़हब इस्लाम का अहम ज़रिया है, इसके पैरोकार यानी मुसलमानों का अकीदा है कि ये मुकम्मल तौर पर कलाम इलाही है। मुसलमान इस बात पर यकीन करते हैं। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ में एक ऐसा वक्त भी था जब मौजज़ा को या जिस चीज़ को मौजज़ा समझा जाता था, इंसानी मंतक और दलील पर सबकत हासिल थी। नाज़रीन गिरामी, आपको बताता चलूँ कि मौजज़े की तारीफ़ ये है कि हर वो चीज़ जो आम ज़िंदगी के बरखिलाफ़ हो और जिसकी इंसान के पास कोई तशरीह नहीं होती। ताहम हमें किसी चीज़ को मौजज़ा मानने में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। मौजज़ा दोस्तों, 1993 में टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि एक अखबार है में एक खबर शाया हुई कि एक पीर जिसका नाम बाबा पैलेट था ने दावा किया कि वो मुसलसल 3 दिन और 3 रात तक पानी भरे टैंक में जेर आब रहा है। ताहम जब रिपोर्टरों ने चाहा कि जिस करतब का उसने दावा किया है वो सच है या नहीं, तो पता चला कि वो झूठ है और ये दावा उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी शोहरत के लिए किया था। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों का ये अकीदा है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी वही और किताब है जो मौजज़ों का मौजज़ा है और ये इंसानों के लिए एक रहमत नाजिल की गई है और कुरान करीम में पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी इल्म है और इसके लिए तहकीक करना भी ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, तमाम तहजीबों में अदब और शायरी इंसानी इजहार और तख्लीक का हथियार रही है। तारीख इस बात की गवाह है कि जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी को अब एक ख़ास मकाम हासिल है, इस तरह ये मकाम एक ज़माने में शायरी और अदब को हासिल था। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम उलमा भी एक बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान अरबी अदब की नहायत उम्दा किताब है। कुरान बनी नू इंसान को ये चैलेंज करता है कि इस जैसी किताब बना कर लाओ। सूरत अल बकरा में कुरान का चैलेंज ये है कि इस जैसी एक सूरत बना कर लाए। सूरत का चैलेंज ये है कि बनाई जाने वाली सूरत की खूबसूरती, साहत, गहराई और मैनी कम अज़ कम पुरानी सूरत जैसी होनी चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, हम जिस दौर में रह रहे हैं इसमें इंसानी दलील और साइंस को तरजीह दी जाती है। बहुत से लोग कुरान की गैर मामूली ज़बान को और इसके कलाम इलाही को नहीं मानते। कोई भी किताब जो कलाम इलाही होने का दावा कर रही हो तो लॉजिक और दलील के लिहाज से भी काबिल कबूल होनी चाहिए। मशहूर महर तबीयात और नोबल इनाम याफ्ता अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक साइंस मज़हब के बगैर लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बगैर अंधा है। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम और जदीद साइंस में मुताबकत और हम आंगी पाई जाती है या नहीं, ये देखने के लिए हम देखते हैं कि कुरान करीम निशानियों वाली यानी आयात वाली किताब है। इसमें 6636 आयात हैं जिनमें से 1000 से ज़्यादा साइंस के मुतल्लिक हैं। हम जानते हैं कि कई मरतबा साइंस यूटर्न करती है यानी तयशुदा नज़रियात के खिलाफ जाती है, इसलिए कुरान तलीमात के साथ मुआजने के लिए सिर्फ तस्लीमशुदा साइंसी हकैक को ही पेश किया जाए। क्यासियात, तखमीनों और मफरूज़ों से बहस नहीं की जा सकती। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम में फलकियात, नबातात, हवानियात, तिब, जिनियात, आबियात, बहरियात, अर्जियात, फलकियात, रियाजियात और फिज़िक्स के बारे में तफसील से बताया गया है। फलकी तबीयात के माहरीन इब्तदाए कायनात की वजाहत एक ऐसे मज़हर के ज़रिए करते हैं जिसे वसी तौर पर कबूल किया जाता है और जिसका जाना पहचाना नाम बिग बैंग यानी अजीम धमाका है।
बहुत सारे तजर्बात और मुशाहदात से ये बात साबित है कि बिग बैंग के मुताबिक इब्तदा में ये सारी कायनात बड़ी कमियत की शक्ल में थी, जिसे प्राइमरी नेबुला भी कहते हैं। फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में हुआ। ये कहकशाएँ सितारों, सियारों, सूरज, चांद वगैरह की सूरत में आई। कायनात की इब्तदा इस कदर मुनफरिद और अचूती थी कि इत्तफाक से इसके वजूद में आने का एहतमाल बिल्कुल नहीं था। जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर यह कुरान करीम में हकीकत 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में ज़ाहिर हुई। कुरान करीम में सूरह अंबिया में आयत मुबारक 30 में अल्लाह ताला फरमाता है कि और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन एक अकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने इनको फाड़ कर रख दिया। मुझे दोस्तों 1925 में अमरीकी महर तबीयात एडविन हब्बल ने इस अमर का मुशाहदाती सबूत दिया कि कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब है कि कायनात फैल रही है, जिसके बारे में कुरान करीम में सूरह ज़ुरियात की आयत मुबारक 47 में पहले ही बता दिया गया था। ये सब कुछ उस वक्त बताया गया था जब लोगों को दूरबीन तक का पता नहीं था। इस तरह पौधों में नर मादा के बारे में पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं था, जबकि जदीद बॉटनिस्ट ये बात बताते हैं कि ये हर पौधे के नर मादा होते हैं, हत्ता कि उन पौधों में भी जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। जबकि कुरान करीम की सूरह ताहा आयत 53 में इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। इस तरह परिंदों और जानवरों में मुआशरे का वजूद, परिंदों की परवाज़, शहद की मक्खी और उसकी महारत, चींटियों का तर्ज हयात और बहमी रवाबित, इन सब के बारे में कुरान करीम में पहले ही बता दिया गया था, जो कि साइंस अब बता रही है। इस तरह तिब में हम देखें तो शहद की मक्खी का इस तरह फलों और फूलों का रस चूसती है, इसे अपने जिस्म के अंदर ही शहद में तब्दील करती है और ये शहद इन छतों में बने खानों में जमा करती है। कुरान पाक ने 1400 साल पहले आयात मुबारक में बयान कर दिया था कि इस मक्खी के पेट के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है, जिसमें शिफा है लोगों के लिए। अलावा जी हमने हाल ही में दरियाफ्त किया है कि शहद में ज़ख़म को ठीक करने की शिफा याब खसूसियात पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जरासीम खुश है। दूसरी जंग अजीम में रूसियों ने फौजियों के ज़ख़म ढांपने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। नाज़रीन गिरामी, इस तरह फिंगरप्रिंट्स पेन रिसेप्टर के बारे में कुरान करीम में बयान किया गया है। इसके अलावा मीठे और नमकीन पानियों के दरमियान आड़, समंदर की गहराइयों में अंधेरे, खेमों की मानद पहाड़, पहाड़ों का मजबूती से जमा होना, ये सब कुछ कुरान करीम में आज से 1400 साल पहले बता दिया गया था, जब इस दुनिया में साइंस का नाम और निशान भी नहीं था। नाज़रीन गिरामी, मैथमेटिक्स के ज़रिए ही पानी और खुश्की के बारे में कुरान करीम में बता दिया गया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान मजीद में बहर यानी समंदर का लफ्ज़ 32 मरतबा आया है और अलबर यानी खुश्की 13 मरतबा आया है। आइए एक रियाजी और साइंसी इक्वेशन के ज़रिए चेक करते हैं। इसमें पहले हम दोनों को जमा करेंगे और फिर एक एक यानी 13 और 32 को टोटल 45 पे तकसीम करेंगे और इसके बाद परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ज़रब करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, पहले अलबर समंदर या पानी का मुवाजना करने के लिए 32 को तकसीम करते हैं 45 से और ज़रब करते हैं 100 से, तो ये आता है 71.1%। अब हम अलबर यानी खुश्की का मुवाजना करते हैं तो 13 तकसीम 45 और इसको परसेंटेज निकालने के लिए ज़रब करेंगे 100 से, तो ये आता है 28.9%। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि समंदर का 71.1% और खुश्की का जवाब 28.9% आया है? और हम जानते हैं कि समंदर 70% और खुश्की 30% है और ये बात कुरान करीम की निशानियों ने पहले हमें बताई है। न्यू वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।
और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी वक्त पर पहुंचती रहे। शुक्रिया।